बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर दोस्तों के जहन में ये ख्याल आता है जी कि यूट्यूब लोगों को कितने पैसे जो वो दे रही है। अक्सर आपने देखा होगा बड़े यूट्यूबर्स वो लाखों करोड़ों की बात करते हैं, तो लाखों करोड़ों तक पहुँचते हुए एक बहुत लंबा सफ़र है। आज मैं आपको बताऊँगा कि मुझे आज तक जो है वो यूट्यूब से कितने पैसे जो मिले। सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिनकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और जो मुझे रेगुलरली देखते हैं। सबका नाम मेंशन करना जो है वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि चैनल मेरा मोनेटाइज हुए तकरीबन 10 महीने हो गए हैं। दिसंबर लास्ट ईयर में चैनल मोनेटाइज हुआ था और पहली पेमेंट जो थी वो मुझे मिली थी अगस्त के अंदर, यानी कि 8 महीने के बाद। तो ये आपको बता दूं कि यूट्यूब जो है वो आपको तब तक पैसे नहीं देती जब तक आपके कम से कम $100 जो है वो नहीं हो जाते। आप किसी भी करेंसी में और में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन आपको जो पेमेंट्स होंगी वो डॉलर्स में जो वो आएंगी, उनकी कैलकुलेशन जो है वो डॉलर्स के हिसाब से है। इसमें से जो यूट्यूब है वो अपना जो कट होती है वो भी निकालती है, आपको एड्स के हिसाब से मिलते हैं पैसे। अक्सर जो है वो जो जिस मुल्क में आपके एड्स जो है या आपकी वीडियो देखी जाती है उस मुल्क के हिसाब से आपको जो है वो पैसे दिए जाते हैं। मैंने जो हिसाब लगाया स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं आपको मुझे आपका नज़र आ रहा होगा कि चैनल के स्टार्टिंग से लेके, यानी कि मेरे ख्याल में 27th December से लेकर अब तक, यानी कि अब अक्टूबर चल रहा है, 28th अक्टूबर आज, तो इसके हिसाब से मेरे जो टोटल इनकम है तकरीबन $150 से या इससे कोई लगभग है पर मंथ के हिसाब से दिखा रहे हैं कि इस मंथ में इतनी हुई है, इस मंथ में इतनी हुई है। तो और व्यूज़ जो है वो टोटल व्यूज़ अब तब से लेकर अब तक तकरीबन कोई 2.5 लाख के, यानी कि 250,000 के करीब है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 75p जो है वो, यानी कि 75 सेंट्स जो है वो आपको पर व्यू के हिसाब से तकरीबन जो मिल रहे हैं। अगेन मैं कहूँगा कि ये आपको जो पैसे मिलते हैं ये जिस मुल्क में आपकी वीडियो देखी जा रही है उस मुल्क के हिसाब से आपको मिलते हैं। अगर यूके में या यूरोप में देखी जा रही है या अमेरिका में देखी जा रही है तो उसको उससे आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में, इंडिया में या मतलब के डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखे जाते हैं यहाँ पे एड्स की इतनी वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे आपको पैसे जो है वो कम मिलते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि दोस्त जो कहते हैं जी कि एकदम से हमने हमारा चैनल मोनेटाइज होगा और एकदम से जनाब हमारे लाखों कमाने शुरू हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोग कुछ आगे पीछे करके, आप समझ गए होंगे जो बंदे इस बिज़नेस में हैं वो कुछ ना कुछ करके अपने व्यूज़ ऊपर करके दिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चैनल की इनकम की ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने सिर्फ अपनी एक हॉबी के लिए इसको क्रिएट किया, एक मेरे लिए मिशन बन गया था। लॉकडाउन में मैं फारिग बैठा हुआ था, मैंने कहा जी चैनल को थोड़ा सा आगे चलाते हैं। ये चैनल दरअसल मैंने शुरू किया था 2007 में, यानी कि आज से कोई 13-14 साल पहले, लेकिन मैंने इस पर तवज्जो नहीं दी। अभी जो है वो फारिग था तो मैंने कहा जी कि चलो इसको ज़रा बूम अप देते हैं, कुछ करते हैं इस पर, दिखाते हैं लोगों को। तो अगेन मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया यहां तक पहुंचने में। बहुत लंबा सफ़र है, अभी मैं इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पर भी आपको वीडियोज़ दिखाएंगे, यूके की चीज़ें कैसी हैं, पाकिस्तान गया तो वहाँ पर दिखाई, कुकिंग दिखाई आपको, जो भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी कुछ मैं करूँ वो क्रिएटिव चीज़ है या लोगों के लिए जो अगर सही मैसेज है उसमें या उनके लिए कोई ऐसी चीज़ है कि जो मैं सोचता हूँ कि वो कर सकते हैं मुझे देख के, तो वो मैं ज़रूर आपको जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर किसी के पास ट्रिक है कि इस चैनल को मज़ीद किस तरह बूस्टअप किया जाए तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं। सजेशन जो है वो ऑलवेज़ ओपन होती हैं, क्योंकि इंसान जो है वो हर वक्त दूसरों के मतलब कि उनके एक्सपीरियंस से सीखना, वो इंसान को सीखना चाहिए दूसरों के एक्सपीरियंस से। अगर कोई बंदा जो है उसने वो काम किया है जो मैंने अभी नहीं किया है और उसका चैनल जो है वो ज़्यादा बूम अप हो गया है तो वो मुझे ज़रूर बताए। जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक तकरीबन 10 महीने की इनकम जो है वो तकरीबन $150 बनती है, उसमें से मुझे तकरीबन 75 पाउंड जो वो $100 जब हुए थे वो 75 पाउंड बने थे यूके करेंसी के मुताबिक, तो वो मुझे अगस्त में मिले थे। तो वो जो सारे जो है वो मैंने चैरिटी पर दे दिए,
क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी, और ये मैंने एक हॉबी के तौर पे एक चैलेंज समझ के मैंने कबूल किया और इसको मैंने जो है वो आगे बढ़ाना शुरू किया। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एकदम से ज़्यादा बूस्ट आ जाएगी तो मेरे ख्याल में ये नहीं है, अनलेस कि आप लड़की हैं और कुछ काम ऐसे कर सकते हैं कि जो लोग मतलब कि लड़कियों को थोड़ी सी सिंपथी जो है वो मिल जाती है कि लड़की है जी देखें चैनल कर रही है तो उसको ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। हम बेचारे तो ऐसे ही बस चलते रहते हैं आस्ता आस्ता। तो उम्मीद है कि जी अगर किसी बंदे को कोई सवाल मजीद पूछना है इसके बारे में तो वो पूछ सकता है मुझसे कमेंट के अंदर, मुझे ईमेल करे, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है। अगर कोई बंदा कुछ जानना चाहता है इसके बारे में तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करे। उम्मीद है कि ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हुई होगी कि जो लोग समझते हैं कि कितने पैसे जो है वो मिलते हैं उनको थोड़ा सा क्लू नहीं है उसके बारे में, तो उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हुई होगी इस वीडियो में। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह फिर कभी। अपना, अपने दोस्तों का, फैमिली का ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।